प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी का फोर्थ चैप्टर भगवान के डाकिए की व्याख्या करने जा रहे हैं। समरी हिंदी है इसकी, इसकी जो वर्ड मीनिंग है और इसकी व्याख्या है सामने हमने लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ पाए और आप अच्छी तरह से याद कर पाएँ। तो इसके वर्ड मीनिंग है, कठिन शब्दार्थ हैं वो भी सामने लिखे हुए हैं। तो आज हम इस पाठ में इसकी व्याख्या करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, भगवान के डाकिए। तो बच्चों, यह एक कविता है, इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो आपको हर पाठ के लेखक या कवि का नाम, कवित्री का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक आता है, किसी भी पाठ का क्वेश्चन आ सकता है और उसके लेखक का नाम, कवि का नाम, कवित्री का नाम पूछा जा सकता है। तो भगवान के डाकिए पाठ के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको पाठ याद रखना है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कविता है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बच्चों, महादेश का अर्थ होता है विशाल देश, बहुत बड़ा देश, और बाँचते हैं का अर्थ होता है पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इसका प्रसंग बताना होगा, क्योंकि कभी भी कविता को की जब हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले उसकी उसका प्रसंग करना पड़ता है। प्रसंग में पाठ का नाम आता है, किताब का नाम आता है, कवि का नाम आता है, और कवि उन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं उसको शॉर्ट में भी बताया जाता है। तो चलिए बच्चों, इसका प्रसंग है, यह पद्यांश भगवान के डाकिए कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर है। कवि ने यहाँ बताना चाहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश को पहुंचाना चाहते हैं। तो इसकी व्याख्या है, कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। डाकिए क्या काम करते हैं बच्चों, आपको पता ही है, एक जगह से संदेश दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो पक्षी और बादल को यहाँ पर भगवान के डाकिए कहा गया है। पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर और बादल इधर उधर घुमड़ घुमड़ कर आपसी भाईचारे का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों, तालाब, नदियों, सागर व पर्वतों तक पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को मनुष्य अर्थात हम नहीं समझ पाते हैं। तो जो भी प्रकृति के संदेश है वो कौन पढ़ता है, प्रकृति की चीज़ें ही पढ़ती हैं, पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ, सागर, पर्वत, ये भगवान ने हमें दिए हैं। तो जो चीज़ भगवान ने हमें दी होती है वो प्राकृतिक होती है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पैरा करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों, इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, आंकते हैं, आंकते हैं का अर्थ होता है समझते हैं, सुगंध का अर्थ होता है मधुर गंध, जो खुशबू हमें अच्छे लगती है, सौरभ होता है खुशबू और पंखो होता है पंखो। तो इसकी जो जो प्रसंग है वो है, यह पद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए से लिए गए हैं। यहाँ कवि ने बताना चाहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो स्वतंत्र भाव से पूरी तो कर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुँचाते हैं। इसकी व्याख्या है, कभी भी व्याख्या करनी है तो प्रसंग आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल पाए। व्याख्या है, कवि बतलाता है कि धरती पर एक प्रदेश की फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के जाती है, और एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति ना किसी बंधन में बनती है, ना किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए, आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश देते हैं। तो बच्चों, आपको पता है अगर हमें कहीं बार फॉरन में जाना है तो हमें किस पे जाना पड़ेगा, जबकि बादल और पक्षी तो उड़ के चले जाते हैं,
इनको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, इनको कोई वीज़ा नहीं बनाना पड़ता, बट हमें बनाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, हमारा जो मनी भी देखना पड़ता है कि हमारे पास है नहीं है। लेकिन बादल और पक्षी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक देश से उड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। इसी तरह बादल भी एक देश में के पानी से बादल बनते हैं और दूसरे देश में जाके बरस जाते हैं, तो वो भेदभाव नहीं रखते हैं, एक समान समझते हैं। तो ये पाठ में हमें संदेश मिलता है कि हमें एक रहना है, पूरे वर्ल्ड को एक रहना है, भेदभाव नहीं करना, प्रेम प्यार से रहना है। तो इस तरह से आपका जो आज का चैप्टर था भगवान के डाकिए, इसकी व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो तब तक आप चैप्टर को रीड रख करके रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो बन रहे हैं, ऑलरेडी कुछ बन चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।